स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। तो वीडियो का टाइटल देख के आप समझ ही गए होंगे कि आज की वीडियो होने वाली है आपकी सर्दियों के हेयर केयर रूटीन के ऊपर। बाय द वे, हाय, माय नेम इज मोहित। मैं इस चैनल पे मेंस ग्रूमिंग, मेंस फैशन से रिलेटेड बात करता हूँ। तो अगर आप भी इसमें इंटरेस्ट रखते हो तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आप और मैं मिलकर एक कम्युनिटी बिल्ड कर सकें। हेयर केयर रूटीन जानने से पहले आपको सर्दियों का नेचर जानना बहुत ज़रूरी है। सर्दियों में हवा में जितनी भी नमी मॉइस्चर होता है वो सब निकल जाता है। इस वजह से हमारी बॉडी खुद से वो मॉइस्चर लेके यूज़ करती है, जिसकी वजह से हमें खुद में ड्राइनेस फील होती है। तो जो चीज़ विंटर में सबसे ज़्यादा दिक्कत देती है वो है बालों की ड्राइनेस, और ड्राइनेस के साथ आते हैं हेयर फॉल प्रॉब्लम्स, स्प्लिट एंड प्रॉब्लम्स। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप गाइड में जानते हैं कि आप कैसे इन सबको अवॉइड कर सकते हैं। चलो हम चलते हैं अपने पहले स्टेप पे, जो कि है हेयर ऑयलिंग। अब जो चीज़ हमें सबसे ज़्यादा हेल्प करने वाली है हमारे विंटर हेयर केयर रूटीन में, वो है बालों को ऑयल करना हफ्ते में दो बार। ऑयलिंग करने से आपके बालों को नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स तो मिलेंगे ही, पर उसी के साथ साथ आपके बालों को वो मॉइस्चर भी प्रोवाइड होगा जो नॉर्मल एयर में मिसेंगे। अब आपको ऑयलिंग करनी कब है? आपको ऑयलिंग हफ्ते में दो बार करनी है। आप ओवरनाइट लगा के भी सो सकते हो, या फिर शैम्पू करने से दो घंटे पहले भी लगा सकते हो, जिससे आपकी स्कैल्प को सफिशिएंट टाइम मिलेगा कि वो सारे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर सके। चलो हम चलते हैं अपने अगले स्टेप पे, जो कि है हेयर वॉश। अब जब आपने बालों को अच्छे से ऑयलिंग कर लिया है तो अगला स्टेप आता है उन्हें प्रॉपरली वॉश करने का। अब सर्दियों में गर्म पानी आपको, मुझे और सबको अच्छा लगता है, पर वो गर्म पानी आपकी स्कैल्प के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि वो गर्म पानी आपके स्कैल्प से वो सारे एसेंशियल ऑयल्स निकाल देता है जो आपके स्कैल्प के लिए नेसेसरी हैं, और फिर आपके स्कैल्प पे ड्राइनेस आ जाती है, और वो ड्राइनेस रीज़न बनती है आपके हेयर फॉल का। इसलिए आपको रूम टेम्परेचर वाटर लेना है, या जिसे हम गुनगुना पानी भी कहते हैं। इससे आपके बालों की हेल्थ मेंटेन रहेगी। उसी के साथ साथ आपको गर्मियों की तरह रोज़ शैम्पू करने की ज़रूरत नहीं है। गर्मियों में हमारे बालों में स्वेटिंग होती है, मॉइस्चर होता है, उसे रिमूव करने के लिए हम शैम्पू करते हैं, और विंटर सीज़न में इसका ठीक ऑपोजिट होता है। बालों में बिल्कुल ही मॉइस्चर ख़त्म हो जाता है, इसलिए हफ्ते में दो बार करना सफिशिएंट रहता है। उसी के साथ साथ आप केमिकल फ्री शैम्पू यूज़ करो, सल्फेट और पैराबेन से बने हुए शैम्पूज को अवॉइड करो, क्योंकि आप नहीं चाहते कि आपके बालों में जितना भी थोड़ा बहुत मॉइस्चर है इस विंटर सीजन में, वो भी केमिकल ओरिएंटेड शैम्पूज निकाल ले। चलो हम चलते हैं अपने अगले स्टेप पे, जो कि है पोस्ट हेयर वॉश। अब जब हमने बालों में अच्छे से ऑयलिंग कर ली, उन्हें अच्छे से धो लिया, तो बारी आती है कुछ छोटी छोटी चीज़ों की जो हमें ध्यान रखनी चाहिए पोस्ट हेयर वॉश। नंबर वन, हीट अप्लायंसेस। सर्दियों में बाल आसानी से नहीं सूखते हैं, उन्हें जल्दी सुखाने के चक्कर में हम हीटर का यूज़ करते हैं। अगेन, हीट आपके बालों के लिए अच्छी नहीं है, इररिस्पेक्टिव ऑफ आप उसे कैसे दे रहे हैं, आप उसे गर्म पानी से दे रहे हैं या हेयर ड्रायर से दे रहे हैं। कोशिश करो कि आप अपने बालों को नेचुरली सुखाओ। नरिशमेंट, हमारे बालों के एंड्स तक नरिशमेंट सप्लाई उतना प्रॉपर नहीं होता, जिसकी वजह से हमारे बाल पतले और ड्राई दिखने लगते हैं। ऐसा ना हो इसलिए आपको बाल धोने के बाद 2-4 ड्रॉपलेट्स ऑफ कोकोनट वाटर, या फिर आप हेयर सीरम भी यूज़ कर सकते हो, उसे पाम में लेके प्रॉपरली रब करके अपने हेयर स्ट्रैंड्स पे, यानी कि आपके बालों की जो बॉडी है उस पर अप्लाई कर सकते हो। आपको स्कैल्प पे अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि फिर आपकी स्कैल्प ऑयली दिखेगी। कॉम्बिंग, हमारे बाल हेयर वॉश के बाद बहुत ही ज़्यादा वीक कंडीशन में होते हैं, वो आसानी से टूट जाते हैं। ऐसा ना हो इसलिए हमें वाइट टूथ वाले हेयर कॉम्ब से अपने बालों को कॉम्ब करना है, जिससे वो कॉम्ब भी हो जाएं और टूटे भी ना। कवरिंग, अब सर्दियों में हम किसी ना किसी तरीके से अपने हेड को कवर ही रखते हैं, पर आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप लॉन्गर पीरियड्स के लिए अपने बालों को कवर ना रखें, क्योंकि ऐसे होने से आपके बालों में स्वेटिंग हो सकती है, जो आपको एडवर्सली अफेक्ट करेगी। आपको मेक श्योर करना है कि आप अपने बालों के अंदर एयर सर्कुलेशन प्रॉपर रखें। ट्रिमिंग, जनरली हम लोग सर्दियों में बाल लंबे करते हैं, और मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूँ कि अगर किसी को मेरी तरह मैन बन बनाना है तो दिस इज़ द परफेक्ट टाइम टू ग्रो आउट योर हेयर। पर उसी के साथ साथ हमें टाइम टू टाइम अपने बालों को ट्रिम कर लेना चाहिए, जिससे जितने भी ड्राई एंड्स हैं, स्प्लिट एंड्स हैं, वो सब हट जाएंगे और आपके पास एक अच्छी क्वालिटी के हेयर बचेंगे। नरिशमेंट, अब हमारे बाल बने ही प्रोटीन से होते हैं, तो अब जितना ज़्यादा प्रोटीन रिच डाइट खाओगे आपकी बॉडी के लिए और आपके हेयर के लिए, वो उतना बेटर रहेगा। ये था मेरा स्टेप बाय स्टेप गाइड कि आप इन विंटर सीजन में अपने बाल को कैसा लंबा कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो। अंटिल देन, आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।